नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर एजुकेशन लाइन से जुड़ी है, आपको जरूर सुननी चाहिए क्योंकि एजुकेशन लाइन से संबंधित आजकल बैठकें चल रही हैं। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक वेबिनार हुआ है, ऑनलाइन मीटिंग हुई है डायरेक्टर एजुकेशन की, और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जिला वाइज डिप्टी डायरेक्टर की ओर से दिए गए हैं। साथ ही अभिभावकों के साथ साथ प्रिंसिपलों ने भी इस धर्म में कुछ सुझाव दिए हैं। वेबिनार आयोजित किया गया ये शिमला एजुकेशन विभाग की ओर से, यानी डिप्टी डायरेक्टर की बजाय यहाँ डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन की ओर से इस वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में अभिभावकों के साथ साथ प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टरों ने भी हिस्सा लिया। ये पूरे प्रदेश भर के एजुकेशन से जुड़े लोगों के लिए ये वेबिनार आयोजित किया गया। ये इस दौरान एजुकेशन से संबंधित, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान लंबे समय से स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही हैं, तो एग्जिट प्लान क्या रहने वाला है इस धर्म में सुझाव लिए गए हैं। यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि अभिभावकों ने इस दौरान जुलाई में स्कूल नहीं खोलने का एक सुझाव दिया है, क्योंकि बच्चों के लिए कोरोना वायरस के चलते एकदम स्कूलों को खोलना सही नहीं है। उन्हें डर है कि उनके बच्चे कोरोना वायरस के साये में ना आ जाएं, इसलिए अधिकतर अभिभावक जो हैं वो स्कूलों के खोलने के पक्ष में नहीं हैं। इसी के साथ ऑनलाइन पढ़ाई को कैसे आगे किया जा सकता है इस संदर्भ में कुछ सुझाव दिए गए हैं। इनमें से कुछ अभिभावकों ने ये भी कहा है कि जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उनकी कक्षाएं जुलाई में शुरू की जा सकती हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके, यानी जो प्राइमरी स्तर के जो स्कूली बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है उसको फिलहाल टालने का फैसला लिया गया है। और चूँकि 15 जून तक छुट्टियाँ हैं और 15 जून के बाद फिर से छुट्टियाँ बढ़ाई जाएंगी, हम चंबालचल की सुर्खियों के माध्यम से पहले ही अवगत करा चुके हैं कि सीएम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जुलाई में ही स्कूलों से संबंधित एक एग्जिट प्लान पर अमल होगा। फिलहाल छुट्टियाँ ही रहने वाली हैं, और क्योंकि क्वारंटीन केंद्र अधिकतर स्कूलों में बनाए गए हैं और जब उनको खाली किया जाएगा तो उन्हें प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा, तभी जाकर उसमें स्कूली बच्चों की पढ़ाई शुरू की जा सकती है। लेकिन इस दौरान ये भी अभिभावकों ने डर बताया है कि यदि कोरोना वायरस के जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, यदि मरीज लगातार बढ़ते रहे तो जुलाई में बिल्कुल भी एजुकेशन व्यवस्था को शुरू करने के पक्षधर वो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा, जो अभिभावक हैं, क्योंकि अभिभावकों के इस दौरान महत्वपूर्ण सुझाव मांगे गए थे जो ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया, तो डायरेक्टर जो अमरजीत सिंह हैं उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अभिभावकों का इस दौरान सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूलों में आते हैं। ये जो पहला चरण था ये सिर्फ सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर था, जबकि अगले चरण में जो प्राइवेट स्कूल हैं प्रदेश भर के, उनके जो प्रिंसिपल हैं और वहाँ पर जो स्कूली बच्चे, उनके अभिभावकों से बात होगी और विभागीय अधिकारी भी इस वेबिनार में शामिल होंगे। लेकिन जो पहला वेबिनार, जो पहला चरण हुआ है, उसमें महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और उसमें ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि जो लॉकडाउन की अवधि है खासकर स्कूली बच्चों के लिए लंबी खींचने वाली है, क्योंकि अभिभावक जो है जुलाई में भी जो स्कूल खोलने के पक्षधर नहीं है। तो आगे क्या फैसला होने वाला है वो मीटिंगों में ही डिसाइड होने वाला है, यानी एजुकेशन विभाग के जो आला अफसर है वो बैठ के डिसाइड करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो पहला चरण हुआ है उसमें महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं और उन सुझावों के संदर्भ में सरकार के समक्ष कुछ व्यवस्था बनेगी, यानी कि दिशा निर्देश उन सुझावों के आधार पर ही स्कूली बच्चों के साथ साथ स्कूलों को एक गाइडलाइन तैयार होगी, उसी के बाद तमाम व्यवस्था जो स्कूलों की चलने वाली है। हमारी अगली सुर्खी सोनल जिले के ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिन्होंने अपनी पत्नी का बर्थडे मनाया और उस बर्थडे की एप्स में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सोनल जिले के ये बद्दी एरिया का मामला है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने, वहाँ की एक रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी है उसके अध्यक्ष ने अपनी पत्नी का बर्थडे मनाया और बड़ी धूमधाम से इस बर्थडे को, यानी कि जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया। इसमें 50 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इस दौरान में जब वहाँ की पुलिस पार्टी को सूचना मिली तो वहाँ के जो संबंधित थाना है बद्दी एरिया की, जो पुलिस
टीम है वहाँ पर पहुँची और उस धर्म में उन्होंने FIR दर्ज की गई है और इस व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस धर्म में जो वहाँ के SP है उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कि ये बहुत गंभीर मसला है क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है और कोरोना वायरस के चलते तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार भी समय समय पर गाइडलाइन जारी करती रही है लेकिन वहाँ की एक रेजिडेंस सोसाइटी के अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा पग उठाकर यानी अपनी पत्नी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी बड़ी पार्टी देकर जो सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है इसलिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। उस व्यक्ति के खिलाफ जो वहाँ की जो रेजिडेंशियल जो वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन है उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमारी अगली सुर्खी एक सरदार जी से है जिन्होंने अपनी 11 पगड़ियां मास्क बनवाने के लिए कटवा दिए हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है क्योंकि जो पगड़ी होती है सरदारों का एक ताज माना जाता है लेकिन एक सरदार जी ने अपनी पगड़ियां वो भी 11 पगड़ियां सिर्फ मास्क बनवाने के लिए कटवा दी हैं। ये मंडी ज़िले के एक सरदार जी हैं, इनका नाम सरदार अमरजीत जी हैं और इन्होंने सिर्फ पगड़ियाँ इसलिए कटवा दी क्योंकि उनके आसपास के एरिया में कई ऐसे गरीब लोग थे जिनके पास मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने आसपास के एरिया का मुआयना करके खुद ये फैसला लिया कि क्यों ना उनके पास जो पगड़ियाँ हैं उनकी 11 पगड़ी उनको काट के छोटे छोटे उसके मास्क तैयार करके इन ज़रूरतमंद लोगों को बांटा जाए और उनके इस फैसले की हर जगह तारीफ हो रही है। क्यों सबसे बड़ी बात है कि सरदार जी का एक बहुत बड़ा पग था, ये बहुत बड़ा फैसला था जिन्होंने अपनी 11 पगड़ियाँ जो मास्क बनवाने के लिए कटवाई हैं। और एक जो पगड़ी होती है 5 से 8 मीटर लंबी होती है तो आप समझ सकते हैं कि इतनी पगड़ी के कितने मास्क तैयार हो गए होंगे लेकिन एक अच्छा फैसला है इसलिए चंबा हलचल मीडिया ग्रुप की तरफ से भी ऐसे व्यक्ति को साधुवाद तो बनता है। यहाँ स्पष्ट कर दें कि ये जो व्यक्ति हैं मंडी ज़िले के रहने वाले हैं और इनका नाम सरदार अमरजीत सिंह है तो इन्होंने ही 11 पगड़ियां मास्क बनवाने के लिए कटवाई हैं। तो इस खबर की आज पूरे प्रदेश भर के अलावा पूरे देश भर में चर्चा है क्योंकि जो सिख समुदाय हैं समय समय पर कुर्बानियां देने के लिए जाना जाता है और देश में इनका बहुत बड़ा प्रभुत्व है और जहां भी ये रहते हैं वहाँ पर ये अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। और हम यहाँ पर ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये अपने मजहब के पक्के होते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं लेकिन आज इनका जिक्र इसलिए बनता है क्योंकि इन्होंने 11 पगड़ियाँ सिर्फ मास्क बनवाने के लिए कटवा दी हैं। हमारी अगली सुर्खी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऐसी महिला टीचर से संबंधित है जो एक साथ 25 जगह से सैलरी हासिल करती है और 25 जगह जॉब करती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली होगी लेकिन ये जो खबर है ये यूपी की है। यूपी के अमेठी ज़िले की ये महिला टीचर है, वहाँ के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ये तैनात है और साइंस की टीचर है और बताया जा रहा है कि ये एक साथ 25 जगह पर जॉब करती है और 25 जगह से उसे सैलरी भी मिलती है। मामला वहाँ के जो विभागीय अधिकारियों के समक्ष आने के बाद इस धर्म में जांच शुरू हो चुकी है लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि एक साथ एक व्यक्ति 2 या 3 जगह जॉब कर सकता है लेकिन एक साथ 25 जगह जॉब करना बहुत बड़ी धांधली बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 25 जगह से इसे सैलरी भी मिलती है और इस धर्म में खैर वहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने कार्रवाई अमल में लाते हुए इस महिला शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सो कॉज नोट्स जारी किया यानी उसे एक नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है ताकि उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ये जो यूपी के अमेठी ज़िले का मामला है और वहाँ के एक मैनपुरा इलाका है वहाँ के ये रहने वाली ये महिला टीचर का नाम अनामिका है तो ये बहुत बड़ा मसला है। हम यहाँ पर इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि ये ऐसे हो कैसे सकता है, जैसे एक व्यक्ति 25 जगह सैलरी कैसे ले सकता है और एक साथ जॉब कैसे कर सकता है। इसलिए इस खबर की आज दिन भर चर्चा रही तो हमें लगा हम चंबा हलचल मीडिया ग्रुप के माध्यम से भी आपको इस खबर के संबंध में अवगत करवाएँ। हमारी अगली सुर्खी प्रदेश के ऐसे अच्छे IAS ऑफिसर से जुड़ी है जिन्हें पदोन्नति मिल गई है यानी अब उन्हें IAS कैडर में डाल दिया गया है और उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें हर जगह से बधाइयां मिल रही हैं। ये जो 11 जो HAS अधिकारी हैं इनमें से कुछ अधिकारी चम्मा में भी जॉब कर चुके हैं और उनका
भी जिक्र हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय से एचएएस के तौर पर ये सेवाएं दे रहे थे पूरे प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में, अब इन्हें पदोन्नति मिल गई है और अब उन्हें आईएएस के कैडर में शामिल किया गया है और केंद्र सरकार ने बकायदा स्तर में अधिसूचना जारी की है। और ये कौन कौन से अधिकारी हैं हम आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम मनमोहन शर्मा है, इसके अलावा राकेश शर्मा, रोहित जम्बुवाल, डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा, डीसी राणा, अनुपम कश्यप, यशपाल शर्मा, रूपाली ठाकुर, राम कुमार गौतम, पंकज राय और प्रदीप कुमार ठाकुर शामिल हैं जिन्हें एचएएस से आईएएस के तौर पर पदोन्नति मिली है। हमने यहाँ पर जिक्र किया था कि चंबा ज़िले में भी कुछ अधिकारी जो एचएएस अधिकारी है जो यहाँ पर सेवाएँ दे चुके हैं और उन्हें आईएएस के तौर पर पदोन्नति मिली है, उनमें से एक राम कुमार गौतम शामिल हैं, साथ ही अनुपम कश्यप भी चंबा में सेवाएँ दे चुके हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के 11 एचएएस ऑफिसर हैं जिन्हें आईएएस के तौर पर पदोन्नति मिली है और इस संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से बकायदा एक अधिसूचना जारी की गई है और जल्द ही इनकी अलग अलग जिलों में अलग अलग पदों पर इनकी तैनाती होने वाली है। अब देखना यह है कि ये जो एचएएस से आईएएस बने हैं इन्हें जिलाधीश बनाया जाता है या फिर सेक्रेटरी या जो सरकार के अलग अलग ओहदे रहते हैं उन पर इनकी तैनाती होने वाली है। हमारी अगली सुर्खी कोरोना अपडेट से जुड़ी है। चंबा ज़िले में लगातार कोरोना एक्टिव मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, जस्ट ये जो बाहरी राज्यों से लोग पहुंचे हैं उनकी जब रैंडम सैंपलिंग हो रही है तो उनकी जो सैंपलिंग के बाद जो अपडेट मिल रहा है उस दर में हम आपको अवगत करवा रहे हैं। लेकिन ये सुखद बात ये भी है जो अब कोरोना एक्टिव पाए जा रहे हैं उनमें किसी भी तरह का संक्रमण नहीं है, यानी उनमें किसी तरह के सिम्टम नहीं दिख रहे हैं। लेकिन एक विभागीय प्रक्रिया रहती है, यदि वो कोरोना एक्टिव रहता है तो उसे कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाता है। तो ये जो हम अपडेट बताने वाले हैं आपको, ये 3 जून की अपडेट है। 3 जून को ये सैंपल भेजे गए थे, 199 यानी 199 लोगों के सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, उनमें से 197 के सैंपल जो इनएक्टिव रहे थे, जबकि 2 जो है कोरोना एक्टिव मामले आए थे सामने। अब उन्हें कोरोना एक्टिव मामलों के लिए जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए उनका इलाज होने वाला है, यानी जो ये कोरोना एक्टिव पाए गए हैं, जो 3 को जो सैंपल भेजे गए थे उनकी जो 4 को रिपोर्ट आई थी, वो जो कोरोना एक्टिव मामले पाए गए हैं दोनों को कोविड केयर सेंटर बालू में भर्ती किया गया है, वहीं पर इनका इलाज चलने वाला है। इन 2 को मिलाकर अब चंबा ज़िले में टोटल 15 कोरोना एक्टिव मामले हो चुके हैं और 1 कोरोना एक्टिव जो मामला है उसका इलाज डलहौजी के कोविड केयर सेंटर में चल रहा है, जबकि 14 कोरोना एक्टिव जो मामले हैं उनका इलाज बालू स्थित कोविड केयर सेंटर में होने वाला है। हम ये भी स्पष्ट कर दें कि जब से कोरोना वायरस फैला हुआ है तब से लेकर अब तक ये टोटल 28 मामले आ चुके हैं, जिनमें से जो 15 है वो कोरोना एक्टिव है और इसके अलावा जो 13 है उनको छुट्टी मिल चुकी है, यानी उनकी रिपोर्ट जो नेगेटिव रहने पर उन्हें अब छुट्टी दे दी गई है। यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि जो 4 को जिनकी कोरोना एक्टिव से संबंधित रिपोर्ट आई है उनमें से 1 की ट्रैवल हिस्ट्री सोनीपत की है जबकि 1 की दिल्ली की बताई जा रही है। और सबसे बड़ी सुखद बात है ये जो जब बाहरी राज्यों से जब ये लोग आए थे उन्हें जो क्वारंटीन केंद्र बनाए गए संस्थागत केंद्र वहीं पर रखा गया था और वहीं से रैंडम सैंपल एकत्रित करके जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और जब उन्हें अपडेट मिल रहा है यानी जब उनकी सैंपलिंग रिपोर्ट आ रही है उसी के बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है। क्योंकि ये जो 2 लोग थे इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की थी तो इनके सैंपल भेजे गए थे और जब इनको इनकी सैंपल की रिपोर्ट कोरोना एक्टिव पाई गई है तो उन्हें अब कोविड केयर सेंटर बालू में भर्ती किया गया है। हमारी अगली सुर्खी पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी है। हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाला खजियार इन दोनों सूना पड़ा है। कभी यहाँ पर इतना भीड़ रहती थी पर्यटकों की और गाड़ियों की इतनी आवाजाही रहती थी कि यदि उस एरिया से किसी को निकलना हो तो उन्हें घंटों जाम में फंसना पड़ता था, लेकिन आजकल पर्यटन नगरी खजियार पूरी तरह से सुनसान दिख रही है। मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर मशहूर खजियार, इतना भीड़ रहती थी पर्यटकों की कि वहाँ पर जो होटल होते थे वहाँ पर रुकने के लिए स्पार्स चाहिए होती थी, लेकिन आजकल स्पार्स तो दूर, वहाँ पर तो पर्यटक कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन के चक्र में ऐसा सब कुछ हो रहा है, यानी जब से कोरोना वायरस का साया पड़ा है तो पर्यटन नगरी बिल्कुल खाली दिख रही है। बहरहाल वहाँ पर जो पर्यटन नगरी से जुड़े जो हैं
उन्हें अब बेरोजगारी के आलम में जीना पड़ रहा है। वहाँ के जो होटल है वहाँ पर काफ़ी तादाद में वर्कर कार्यरत थे, उन्हें अब बेरोजगारी के आलम में जो होटल के जो मालिक है उन्हें जो उनकी सैलरी भी देने में असमर्थ दिख रहे हैं। बहरहाल जो होटल एसोसिएशन के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, यानी होटल एसोसिएशन खजियार के प्रेसिडेंट और पूर्व के जिला परिषद चेयरमैन देसराज ने सरकार से मांग की है कि जब तक वहाँ के हालात ठीक नहीं होते, जब तक ये नहीं वहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही शुरू नहीं होती, तब तक उन्हें जो होटल है वहाँ के उन्हें आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, यानी कि स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि इस मंदी के दौर से वहाँ के जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं वो उभर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पर्यटक नगरी खजियार पूरी तरह से खाली दिख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लंबा अरसा हो गया है पर्यटन नगरी खजियार में और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आते थे, खासकर जून में तो वहाँ पर तिल धरने वर के लिए जगह नहीं मिलती थी, होटल पूरी तरह से फुल रहते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब तमाम होटल खाली पड़े हैं और पर्यटक कहीं भी नजर नहीं आ रहे। हमारी अगली सुर्खी एक ऐसे जिला परिषद सदस्य से है जो हाल ही में भाजपा एसटी मोर्चा के राज्य उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। उन्होंने अपने वार्ड में तमाम लोगों को फ्री में मास्क और सैनिटाइजर बांटने का फैसला लिया है। हम इस जिला परिषद सदस्य का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर जगह कुछ जनप्रतिनिधि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया में जाकर जिस फोटो खिंचवाने का मामला रहता है, लेकिन इस व्यक्ति ने साफ तौर पर कहा है कि वो हर वार्ड की जनता के साथ मिलकर फेस मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर बांटने वाले हैं। इनका नाम राकेश ठाकुर है और इन्हें हाल ही में पार्टी हाईकमान भाजपा की ओर से भाजपा के एसटी मोर्चा का राज्य उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। हमारी अगली सुर्खी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये जरूर सुननी चाहिए क्योंकि सरकार से जुड़ी है। कैबिनेट का विस्तार अभी नहीं होने वाला है इस टर्म में, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि ये वक्त कैबिनेट विस्तार करने का नहीं है क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है और जब सही वक्त आएगा तभी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे हिमाचल में 3 कैबिनेट मिनिस्टरों के पद खाली चल रहे हैं, इनकी नियुक्ति की जाएगी लेकिन जब सही समय आएगा तभी इनकी नियुक्ति होने वाली है। हम आपसे अपील करते हैं कि इन दिनों जो फेक लिस्ट कैबिनेट मिनिस्टरों से संबंधित हर जगह वायरल हो रही है उस पर भरोसा बिल्कुल ना करें। चंपा हलचल मीडिया ग्रुप आपको सही और सटीक खबर दे रहा है, आप यहाँ पर जो दिखाई जाती है खबरें उसकी विश्वसनीयता रहती है। हम बाकायदा सरकार के प्रतिनिधियों से बात करते हैं तभी हम आपको खबर दिखाते हैं, इसलिए जो फेक लिस्ट चल रही थी उसके बाद हमने सरकार के प्रतिनिधियों से बात की है, उसी के बाद हमने जो सीएम की बाइट ली है ताकि आपको सही जानकारी मिल सके कि कैबिनेट का विस्तार अभी नहीं हुआ है, जब सही टाइम आएगा तभी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। इस संदर्भ में सीएम जयराम ठाकुर ने स्पष्ट भी किया है, हम आपको वो जो बाइट है सीएम की वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए उस बाइट को आप सुन के समझ जाएंगे कि जो फेक लिस्ट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर वो बिल्कुल झूठी है, जो हम आपको बता रहे हैं वो सही जानकारी है। देखिए एक बात हूं मैं, कैबिनेट में जरूरत जो है कैबिनेट मंत्रियों की निश्चित रूप से होती है, अभी भी हमारे पास जो है 3 मंत्री कम है, विषय पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा है, उपयुक्त समय जब होगा जब हमसे चर्चा करेंगे हम बात करेंगे तो आपको बता देंगे आप क्यों बहुत ज्यादा उन क्योंकि इतना कितना देखिए बहुत सारी चीजों पर हमने देखिए इन दिनों में हमने बहुत सारी एहतियात के दृष्टि से क्या क्या कर सकते हैं वो प्लान्स हमारे आएंगे आपके सामने आने वाले समय में धीरे धीरे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये समय इस वक्त जो है वायरस से लड़ने का है, हम जितने भी किफायत कर सकते हैं जिस रूप में कर सकते हैं वो करें। हमारी अगली सुर्खी पर्यावरण दिवस के आयोजन से जुड़ी है, आज पर्यावरण दिवस है और इस दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से प्रतियोगिता भी आयोजित हुई है और बकायदा इस प्रतियोगिता के माध्यम से यानी जो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से मॉनिटरिंग भी हुई कि हमारे स्कूल के बच्चे कैसे कार्य कर रहे हैं और इस दौरान कुछ टीचर भी
बच्चों को समझाते दिखे हैं और उन्होंने पर्यावरण की महत्ता बताई गई है। और साथ ही DFO की अगुवाई में सामधार जो यहाँ जिला मुख्यालय के साथ एक पहाड़ी लगती है वहाँ पर पर्यावरण दिवस मनाया गया है। DFO निषाद मंडोत्रा के नेतृत्व में ये आयोजन हुआ है। साथ ही एक स्कूल है जिला मुख्यालय के साथ लगता है। पर्यावरण दिवस के मौके पर उदयपुर स्कूल के बच्चों ने जहाँ अपने घर की बालकनी में एक पौधा लगाया, साथ ही जो वो स्कूल के अध्यापक हैं उन्होंने भी बालकनी में पौधा लगाया है। और इस संदर्भ में एक शपथ भी दिलाई गई है ताकि पर्यावरण को अच्छे से साफ सुथरा रखा जा सके। और इस दौरान बच्चों से ये भी आह्वान किया गया है कि उन्हें जहाँ भी खाली ज़मीन दिखती है आसपास के एरिया में वहाँ पर वो पौधा जरूर लगाएं। और इस पूरे कार्यक्रम की जो मॉनिटरिंग है वो दीपक कुमार जो वहाँ के एक शिक्षक हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की। पर्यावरण दिवस के मौके पर ही एक ट्री मैन के तौर पर विख्यात अध्यापक HR चिराग ने भी इस मौके पर पौधारोपण किया। उन्होंने अपने गांव में 500 से अधिक आज पौधे रोपे हैं। इस पौधारोपण के कार्यक्रम में उनके गांव के लोगों ने उन्हें समर्थन किया और इस दौरान डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पौधारोपण किया गया है। हम यहाँ ट्री मैन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ट्री मैन ऐसे हैं जब उनके गाँव में बाढ़ आ जाती थी तो वहाँ से कई लोग प्लाइंग करके अन्य जगह चले गए थे, लेकिन इस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और जहाँ पर भूस्खलन होता था, यहाँ पर खासकर जब बरसात के दिनों में वहाँ पर मलबा गिरता था, वहाँ पर उन्होंने पेड़ लगाए। उसके बाद वहाँ पर इतना सुंदर गांव दिखता है, अब वहाँ लोग बसने के लिए तरसते हैं। यानी जो प्लाइंग करके गए थे उस एरिया के लोग, वो क्लेल का गांव है, वहाँ अब दोबारा वापस अपने गांव में बसने शुरू हो गए हैं। तो इस व्यक्ति का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस व्यक्ति को कुछ अवार्ड भी मिल चुके हैं और इसलिए इस व्यक्ति का जिक्र इसलिए जरूर बनता था। पर्यावरण दिवस के मौके पर उन्होंने आज फिर से एक अच्छा कार्य किया है, 500 पौधे रोपे हैं, तो उनकी इस मौके पर हौसला अफजाई होनी चाहिए। पर्यावरण दिवस की चंबा हलचल मीडिया ग्रुप की तरफ से सभी को बधाई और हमारा यही आह्वान है कि आप अपने आसपास के एरिया में पेड़ लगाएं ताकि हरित क्षेत्र का दायरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें, सफाई रखें ताकि आपके एरिया में कोई बीमारी ना फैले। और हम आपसे यही आह्वान भी करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी जो हमारा पेज है उसे भी लाइक करें। तो ये थी आज की सुर्खियां, कल फिर से सुर्खियां लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।